नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट टाइम लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे प्रदर्शन की। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरह से बीते कई दिनों में लगातार युवाओं का अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और प्रदर्शन के नाम पर देश भर से हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे हैं इस तरह की युवा। देखिए, अगर बात करें युवाओं की तो युवा भारत देश का भविष्य है और अगर देश का भविष्य इस तरह से युवा के हवाले हो रहा है तो आखिरकार क्या छवि बन रही है देश की। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बॉलीवुड क्वीन यानी के कंगना रनौत का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है इस पर विपक्ष के कई नेता और साथ ही अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। और इसी बीच अब बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत ने भी अपना एक बड़ा बयान दे दिया है अग्निपथ योजना को लेकर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको अब सुनवाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत देश और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर हमेशा ही बहुत मुखर रही हैं। अब धाकड़ फेम एक्ट्रेस ने अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर एक बड़ा बयान दे दिया है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अग्निपथ स्कीम को लेकर के एक पोस्ट शेयर की है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों में अपने यहाँ आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी की हुई है। इसके आगे कंगना ने कहा कि इजराइल जैसे तमाम देशों ने अपने यहाँ युवाओं के लिए आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी की हुई है। हर कोई अपनी जिंदगी के कुछ साल सेना को देकर वो अनुशासन और राष्ट्रभक्ति जैसे जीवन के मंत्र सीखते हैं और साथ ही वो ये महसूस कर पाते हैं कि सीमा पर रहकर अपने देश की सुरक्षा करने का मतलब क्या होता है। इसके आगे कंगना लिखती हैं, अग्निपथ अपना करियर बनाने, रोजगार पाने और पैसा कमाने से कहीं ऊपर की चीज है। कंगना रनौत अपने इस पोस्ट में खुलकर केंद्र सरकार की इस स्कीम का कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई नजर आई। इसके आगे कंगना लिखती हैं, पुराने वक्त में हर किसी को गुरुकुल भेजा जाता था, ये बिल्कुल इसी तरह की एक चीज है। इस बार भी आपको ऐसा ही करने के पैसे मिल रहे हैं, ये बात कंगना कहती हुई नजर आई। इसके आगे कंगना लिखती हैं, ड्रग्स और पबजी में बर्बाद हो रहे युवाओं को एक तादाद में इस दिशा परिवर्तन की जरूरत है। सरकार को इस तरह के फैसले लेने के लिए तारीफें मिलनी चाहिए। मालूम हो कि अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं को सेना में सिर्फ 4 साल तक काम करने का मौका मिलेगा, इसके बाद 75% जवानों को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। जिस तरह से कंगना रनौत ने अपनी राय, अपना ये जो बयान है अग्निपथ योजना को लेकर दिया है, क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।